Aadhaar Mod Class 12th Hindi Book Solution Chapter 10 Jhoothan Subjective Part 10 Sheeshak Jhoothan Lekhak Om Prakash Balmiki Jan 30 June 1950 Mutyu 17 November 2013 Jan Sthan Muzaffarnagar Uttar Pradesh Mata Pita Chotanlal Mukundi Devi Prashn 1 Jhoothan Katha ka saransh apne shabdon mein likhiye Tar Om Prakash Balmiki jab balak the unke school mein headmaster Kaliram unse pane ke badle jhaadu lagwate the unka naam is tarah se headmaster poochte the jaise ki koi badha garaj raha ho sara din unse jhaadu lagwate the दो दिन तक झाड़ू लगने के बाद तीसरा दिन उसके पिता झाड़ू लगाते देख लेते हैं। लड़का फफक फफक कर रो उठता है और पिता से सारी बात बताता है। पिताजी मास्टर साहब पर गुस्साते हैं। ओम प्रकाश बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 लोगों के घर में साफ सफाई करती थी और माँ के इस काम में बड़ी बहन भाई तथा जसवीर और जनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर लोगों के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। इन सब के बदले मिलता था दो जानवर पीछे फसले 5 शेर अनाज और दोपहर के समय एक रोटी जो रोटी तौर पर चूड़ों को देने के लिए आते भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी मंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन रात मरने के बाद भी हमारी पसीने की कीमत मात्र जूठन होती थी। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं या कोई पछतावा नहीं। यह कैसा कुरूप समय था जिसमें श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र था। प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक पैसा के लिए प्रत्येक परिवार को दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता था तथा स्वयं लेखक को नहीं पशुओं का खाल उतारना पड़ता था। यह समाज की पूर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और कुछ व्यक्ति के पास धन का कोई कमी नहीं है तो दूसरी ओर हजारों हजार को 2 जून की रोटी के लिए कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहर असर होता है कि उसके भाभी द्वारा कहा गया कथन है कि इनसे ये कामना कराओ भूखे रह लेंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह सब लेखक को उस गंदगी से बाहर निकल लाते हैं। प्रश्न 2 विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तर विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दुखद घटना घटती है। बाल सुलभ मन पर बिताने वाली दृश्य को हिलाने वाली घटनाएं लेखक के मन पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम ही दिन हेड मास्टर बड़े ही बेदब आवाज में लेखक से उनका नाम पूछता है फिर उसकी जाति का नाम लेकर तिरस्कृत करता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीची जाति का नौकर समझता है और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को साफ करवाता है। बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान भी साफ करवाता है जो काम लेखक चौहरे जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। दूसरे दिन हेड मास्टर उससे वहाँ काम करवाता था। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा के कोने में जब बैठा होता है तब हेड मास्टर उस बालक अर्थात लेखक की गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। उससे पुराने काम को करने के लिए कहा जाता है। लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं। उन्हें यह सब काम देखकर लेखक के पिताजी को काफी क्रोध आती है और वे हेड मास्टर से बकझक कर लेते हैं। प्रश्न 3 पिताजी ने स्कूल में क्या देखा उन्होंने आगे क्या किया पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लेखक को तीसरे दिन भी यातना दी जाती है
और वह रो रो कर झाड़ू लगा रहा होता है। तब अचानक के पिताजी वह सब करते देख लेते हैं। वे बाल लेखक को बड़े प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उन्होंने लेखक से पूछा, मुंशी जी यह क्या कर रहा है? उनकी प्यार भरी आवाज सुनकर लेखक फफक पड़ता है। वे पुनः लेखक से प्रश्न करते हैं, मुंशी जी क्यों रो रहे हो? ठीक से बोलो क्या हुआ? लेखक के हाथ से झाड़ू छिनकर दूर फेंक देते हैं। अपने लाडले की स्थिति देखकर वे आगा बबूला हो जाते हैं। वे तीखी आवाज में चीखने लगते हैं कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर सहित सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं। हेडमास्टर लेखक के पिताजी को गाली देकर धमकाता है, लेकिन उसकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं होता है। आखिर पुत्र तो राजा का हो या रैंक का पिता के लिए तो एक समान जिगर का टुकड़ा ही होता है। उसकी बेइज्जती कैसे सहा जा सकती है? यही बात लेखक के गरीब पिता पर भी लागू होती है। उन्होंने भी अपने पुत्र की दुर्दशा पर साहस और हौसले के साथ हेड मास्टर का सामना किया। प्रश्न 4। दिन रात भर खटकर भी हमारी पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। सोचिए और उत्तर दीजिए। तर जब समाज की चेतना मर जाती है, अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बढ़ जाता है कि गरीब को जूठन भी नसीब नहीं होता, मनुष्य मात्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। सृष्टि की सबसे उत्तम कृति माने जाने वाले मनुष्य में मनुष्यता का लोप हो जाता है। कृतियों के कारण अमीरों ने वैसा समाज बना दिया कि गरीब की गरीबी कभी न जाए और अमीर की अमीरी बना रहे। इस प्रकार समाज में काम के बदले जूठन तो नसीब हो जाता है, परंतु श्रम का मोल नहीं दिया जाता है। जैसे के चलते समाज में निर्धनता बती जा रही है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि संघर्ष करके आगे बना है। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 10 जूठन ऑब्जेक्टिव पार्ट 10 शीर्षक जूठन लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 1। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? उत्तर 36 WS 1950। प्रश्न 2। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 3। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम क्या था? उत्तर मनकुदी देवी। प्रश्न 4। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? उत्तर छोटन लाल। प्रश्न 5। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन कौन सी है? उत्तर जूठन। प्रश्न 6। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न 7। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? उत्तर भारत रत्न। प्रश्न 8। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? उत्तर दलित आंदोलन। प्रश्न 9। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? उत्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि को। प्रश्न 10। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? उत्तर पिता ने। प्रश्न 11। जब लोधक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उसके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता है? उत्तर जूठन। प्रश्न 12। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? उत्तर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रश्न 13। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? उत्तर सुरेंद्र सिंह। प्रश्न 14।
सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? उत्तर, लेखक की माँ। प्रश्न 15, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई या धोकर एकत्रित किया था? उत्तर, लेखक के पिता। प्रश्न 16, जूठन क्या है? उत्तर, आत्मकथा। प्रश्न 17, सुरेंद्र सिंह किसका पुत्र था? उत्तर, सुखदेव सिंह त्यागी। प्रश्न 18, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगाए है, यह किसका कथन है? उत्तर, लेखक के पिता का। प्रश्न 19, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? उत्तर, कलिमराम। प्रश्न 20, दलित साहित्य की शास्त्र के लेखक है? उत्तर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 21, जूठन क्या है? उत्तर, आत्मकथा। प्रश्न 22, जूठन में चित्रण हुआ है? उत्तर, सामाजिक विषमता का। प्रश्न 23, आत्मकथा लेखक की माँ के यहाँ काम करती थी? उत्तर, ब्रह्मादेव तांगा के घर। प्रश्न 24, ओम प्रकाश ने की नाटक शाला की स्थापना की? उत्तर, मेघदूत। प्रश्न 25, मेघदूत नामक नाटक शाला कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर, महाराष्ट्र में। प्रश्न 26, दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? उत्तर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 27, जूठन की चेतना की रचना है? उत्तर, राजनीतिक चेतना की। प्रश्न 28, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? उत्तर, कविता। प्रश्न 29, जूठन किस विद्या में लिखा गया है? उत्तर, आत्मकथा। प्रश्न 30, ओम प्रकाश कैसा कथाकार था? उत्तर, दलित आंदोलन से जुड़े कथाकार। प्रश्न 31, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर, जूठन। प्रश्न 32, ओम प्रकाश को किस वर्ष का था कर्म सम्मान दिया गया? उत्तर, 2000। प्रश्न 33, ओम प्रकाश क्या चाहते हैं? उत्तर, वैज्ञानिक और समाजवादी, बेचारी, जागरण, मानव अधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और की समाज व्यवस्था अमूल बदलना चाहते हैं। प्रश्न 34, ओम प्रकाश जीवन के किस भाग को बहुत अधिक महत्व देते थे? उत्तर, भोगे हुए यथार्थ को। प्रश्न 35, भावी से कौन से कथन ओम प्रकाश को गंदगी से बाहर निकालना है? उत्तर, इनमें से लाना कराओ भूखे रह लेंगे, इस गंदगी में ना घसीटो। प्रश्न 36, ओम प्रकाश वाल्मीकि 12वीं कक्षा में ही किस में अप्रेंटिस नौकरी की है? उत्तर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में। प्रश्न 37, ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून में किसके रूप में कार्य करते रहे? उत्तर, अधिकारी के रूप में। प्रश्न 38, ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में किसकी नौकरी किए? उत्तर, ड्राफ्ट्समैन की नौकरी। प्रश्न 39, ओम प्रकाश वाल्मीकि 11वीं की परीक्षा किस कॉलेज से परीक्षा पास किए? उत्तर, बरला इंटर कॉलेज। प्रश्न 40, ओम प्रकाश वाल्मीकि को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? उत्तर, 1993।